इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस की ऑनलाइन एक्सरसाइज परफॉर्म करना सीखेंगे। आपको अपना गूगल ओपन करना है और उस पर लिखना है पास्ट परफेक्ट टेंसेस एक्सरसाइज बाय ईजीओ फॉर यू, और पहले लिंक पर आपको क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। या इसकी पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म करने की एक्सरसाइजेज हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं, तो इस लिंक पर हम क्लिक कर देंगे कि आपके पास पॉजिटिव जो है सेंटेंसेस आ गए। आपको नीचे फार्मूला दिख रहा होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो इसके अंदर है, जो ऑक्सिलरी है वो हेड यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इधर आपको जो है फर्स्ट फॉर्म्स दी गई हैं, आपको हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। याद रहे आपको हेड लाजमी लगाना है क्योंकि पास्ट परफेक्ट के अंदर हेड ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, तो मैं इसको फिलअप कर देता हूँ। तो मैंने ये सारे फिलअप कर लिए, अब चेक करते हैं कि क्या इसमें सही है और क्या गलत है। ग्रेट, ऑल आंसर्स आर करेक्ट, सारे हमारे जो है सही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हेड वॉश्ड, हेड मिस्ड, हेड बिल्ट, हेड पेंटेड, हेड प्लांटेड, हेड रिटन, हेड प्रैक्टिस, हेड ऑर्डर्ड, हेड नॉक, हेड स्लिप, और स्लिप में डबल पी आ जाएगा। ठीक है, बैक करके नेगेटिव सेंटेंसेस की इसकी जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर सिंपल ये करना है, हेड के बाद नॉट पुट कर देना है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉट की हमेशा थर्ड पोजीशन होती है, तो सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैं इसको भी जल्दी से फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है, इन द शॉपिंग सेंटर आई मेट अ फ्रेंड हु आई हैड नॉट सीन। ठीक है, ये सी और नॉट दिया हुआ है। सबसे पहले हेड आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा। सारे सेंटेंसेस के अंदर पहले हेड आएगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, सीन, लॉक्ड, प्रैक्टिस, डन, बाउट। ठीक है, इस तरीके से मैं फिलअप कर देता हूँ। तो ये सारे मैंने फिलअप कर लिए। आप नंबर 8 अगर देखें तो ये थोड़ा जो ऑथेंटिक सा है, बिल्कुल अलग सा है। इसने ब्रैकेट में हमें हैव और नॉट दे दिया। अगर हम पहले हेड लगाते हैं जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है, तो उसके बाद नॉट पुट करते हैं, और उसके बाद हैव की थर्ड फॉर्म जो है वो हेड होती है। हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है। अब इसको चेक करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ग्रेट, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। मैं अगेन आपको बताता चलूँ, ये जो 8 है, नंबर 8, व्हेन आई मेट जैन एट 11 o'clock शी हैड नॉट हैड ब्रेकफास्ट येट। तो ये जो पहला वाला हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है, एज अ ऑक्सिलरी यूज़ किया गया है, फिर नॉट यूज़ किया गया, और ये जो हैड है ब्रैकेट में हमें हैव दिया था, तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है, तो आपने ये याद रखना है। अब क्वेश्चन फॉर्म करने की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फॉर्म करने वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, यानी इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, उनमें WH फैमिली आती है, व्हाट, विच, हाउ मैनी, व्हेन, व्हाई, हाउ ऑफन। ये WH फैमिलीज पहले आती हैं अगर सेंटेंस में मौजूद होती हैं, तो उसके बाद फिर जो है हेल्पिंग वर्ब आता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब आता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें WH फैमिली व्हाट आ रही है, तो पहले व्हाट आएगा, फिर उसके बाद हैड आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और फिर थर्ड फॉर्म आएगी। तो मैं इसको भी फिलअप कर देता हूँ। तो ये सारे मैंने जो है फिलअप कर लिए। मैं आपको एक बार इसको पढ़ के दिखा देता हूँ। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, इन सारे सेंटेंसेस में पहला अल्फ़ाबेट जो है वो आपने बड़ा बनाना है। ठीक है, जैसे ये W यहाँ पर बड़ा बना हुआ है, H यहाँ बड़ा बना है, यहाँ पर भी H बड़ा है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव के हैं, ये हमारी स्टार्टिंग नहीं है। ये तो इसने हमें जो है सपोर्ट के लिए दे दिया, समझने के लिए दे दिया, स्टार्टिंग हमारी यहाँ से। तो हमें पहला अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल बनाना है। अब एक और जो है वो ऑथेंटिक हमारे पास जो है सेंटेंस है, वो है नंबर 7, वाई दे हैव। अगेन देखें, सबसे पहले WH फैमिली आएगी, वाई, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, वो हैड है, फिर सब्जेक्ट आएगा जो कि दे है, उसके बाद हैव की थर्ड फॉर्म जो होती है वो हैड होती है। तो वाई हैड दे हैड डिनर बिफोर दे केम टू द पार्टी। और ये जो नंबर 9 है, इसके अंदर हैड यू रेड, जब सेकेंड थर्ड फॉर्म होती है रीड की, तो उसको रेड पढ़ते हैं, हैड यू रेड द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर यू साइंड इट। अब चेक करते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक्स हैं। ग्रेट, ऑल आंसर्स आर करेक्ट।